तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां जाके आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जहां जाके आपकी गढ़वाली यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो कुछ दिन पहले दोस्तों मेरा जन्मदिन था, जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी और मेरी जेठानी हम सब फैमिली के साथ वहाँ गए थे डिंडियाली रेस्टोरेंट में, जो शायद ही आपको कहीं पहले कहीं आपने देखा नहीं होगा। तो वहाँ का आपको इतना अच्छा है, वहाँ आप जाके आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, जहाँ जाकर आपको अपना पूरा का पूरा गढ़वाली ट्रेडिशनल देखने को मिलेगा। जैसा वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ पर हर एक चीज़ों का इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ की जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले कैसे हल बाते थे, वो हल तक वहाँ पर रखा हुआ है। तो हम वहाँ पर गए थे और हमने वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहाँ पर जाके इतना मज़ा किया, इतने मज़े किए, तो शायद ही वो आपको कहीं फाइव स्टार होटल भी आपको उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ का पूरा वीडियो, वहाँ का जो जो वहाँ पर चीज़ें हमने देखी हैं, मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया। तो आई होप आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ जो भी आप एक बार देहरादून घूमने आएंगे तो प्लीज़ 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 वहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाके आपको आपकी पुरानी यादें, पुरानी टिहरी टिहरी वाली पुरानी गढ़वाली यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने हर एक दोस्त को ये शेयर करें ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे बच्चे तक पहुंच सके और वो अपने गढ़वाली रिचुअल्स को पहचान सके कि हमारे संस्कृति क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, घुमाते हैं आपको डिंडियाली कैफे में। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने घर से, तो जाते जाते मैं आपको पूरे रास्ते का नज़ारा दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है चारों ओर, सारे चारों ओर हरा भरा ग्रीनरी सी है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये है रायपुर से थानों की तरफ जा रहा है ये रास्ता, और ये अब हम पहुंचने वाले हैं। ये रोड जो अब जा रही है ना, तो अब ये सीधे सिरियों बोलते हैं, इस गांव का नाम सिरियों है यहाँ पर, और सिरियों में ही डिंडियाली है। तो अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली सुनसान, मतलब जैसा पहाड़ों में होता है वैसा ही है, बिल्कुल नज़ारा सेम वैसे ही है। तो अब हम पहुंच गए हैं डिंडियाली में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर, मतलब देखिए तांबे के गिलास रखे हुए हैं, ये कितना सुंदर है, मतलब चारों ओर से ही देखने से ही दिल खुश हो जाता है कि बहुत सुंदर किसी ने, मतलब पहाड़ी थीम पर कितना सुंदर किसी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देखिए चारों ओर से, तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए है। फिर यहाँ अंदर अंदर भी बहुत सुंदर है, अंदर यहाँ गाने बजाने का है, ढोल है, यहाँ पर ये कुमाऊनी दुपट्टा रखा हुआ है। ये देखिए हमने तो तांबे के गिलास में पानी पिया था जाते ही, जब हम गए थे तो सबसे पहले हमने तांबे के गिलास में पानी पिया था। ये तो देखिए, ये मैं हूँ, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी है। तो अभी ये देखिए कितना सुंदर है, अभी मैं आपको ले जाती हूँ अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मैंने, मुझे कितना अच्छा लगा वहाँ जाके। ये छोटे छोटे वो डाइनिंग टेबल है, वैसे तो डाइनिंग टेबल आपको पता ही होता है क्या होता है, लेकिन डाइनिंग टेबल में ये मिनी डाइनिंग टेबल है। ये देखिए, ये आप बाहर आ जाएं तो बाहर की तरफ देखिए, ये मतलब ये देखिए, ये है अरसे और ये जो कुमाऊँ जो पहाड़ी चीज़ें होती हैं। मैंने अपना बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट किया था, तो हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे अंदर छोटे छोटे डाइनिंग टेबल में बैठ के, वहीं हमने केक कट किया। और ये भाई है मेरा, ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी, जेठानी और मेरा ब्रदर। ये देखिए कितना, और फिर हमने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद आया उसने वो ऑर्डर किया। ये हैं कुलथ के दाल के पराठे, ये है माल्टे का जूस और ये है बुरास का जूस। तो जिसने जिसको जो पसंद आया, जिसने जो सोचा वही ऑर्डर किया। तो हम किसी ने कुलथ की दाल के पराठे, ये देखिए चौंसे का साग और ये है पिंडालू के खुड़के चटनी और ये झंगोरे की खीर, भात, घी और सलाद में भी सब कुछ है। और ये देखिए, और पल्लर भी वहाँ पे है, पल्लर की सुविधा भी वहाँ पर है, पल्लर भी वहाँ पर है। पल्लर आप लोग जानते हैं जो गांव में मार्ट छौंके जाते हैं, उस तरह का पल्लर होता है।
ये मंडवे की रोटी भी है इसमें, वो भी बिल्कुल घी में ऐसे तल रख, ऐसे मल रखी है कि मतलब घी में इस तरह से वो कर रखे हैं कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था खाने का। तो उसके बाद हमने लंच वंच किया, फिर हम ऊपर की तरफ आए, ऊपर हमने अपने फ़ोटो वगैरह वीडियोज़ वगैरह लिए। मतलब बहुत सुंदर है वहाँ पर अंदर, वहाँ बैठ के मतलब वहाँ बैठ के अपना फ़ोटो वगैरह, वहाँ बैठ के हमने ये ढोल वगैरह बजाए, ये हमने यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एकांत वाला माहौल है, बहुत अच्छा। पहाड़ी, पूरा पहाड़ी वो है, पूरा का पूरा गढ़वाली टाइप लग रहा है कि हाँ हम पता नहीं कौन से गढ़वाल में आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए गणेश भगवान, ये मिट्टी से लिपा हुआ है और इसमें गणेश भगवान जी का वो बना रखा है पेंट से, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मतलब पूरा गढ़वाली सा आता है फील कि हम कहीं गढ़वाल में आ रखे हैं, और बहुत अच्छा फील आता है। पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छे ढंग से डिज़ाइन की हुई है। ये देखिए मैंने घास तो था नहीं वहाँ पर, लेकिन मैंने ये टोकरी भी ली और मैंने इसमें घास डाला और मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ घास लेने के लिए। कि इस वीडियो के ज़रिए मैं सारे उत्तराखंड वासियों से यही विनती करती हूँ कि जितना हो सके हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में प्रयास करें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारी देवभूमि की संस्कृति को जीवित रखेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ।